हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी दिस वेरी ब्यूटीफुल ब्लू ग्लिटर स्मोकी आई मेकअप विद पिंक ग्लोई बेस। आप ये लुक किसी भी पार्टी या स्पेशल ओकेजन में कैरी कर सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट गाइज, मैं देख रही हूँ 90% लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का डेली विटामिन सी फेस जेल विद एलोवेरा। इसमें विटामिन सी एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के साथ साथ काफ़ी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं गाइस जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेंगे। अगर आपकी स्किन पिगमेंटेड है तो उसको भी इवन टोन करेगा। आप ये जेल अपने डेली स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं और आप इसको अंडर मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ रियली अ ग्रेट थिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, इस जेल में कोई भी पैराबन या सिलिकन, कोई भी सिंथेटिक फ्रेग्रेंस या कलर नहीं है। दिस इज़ 100% सेफ टू यूज़। इस जेल को परचेज करने का लिंक गाइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और इसमें गाइस वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी स्लीपिंग नाइट जेल भी अवेलेबल है विद द सेम एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। इसमें कोई भी पैराबन, कोई भी सिलिकन या कलर नहीं है, बट दिस हैज़ फ्रेग्रेंस गाइस, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट बोथ ऑफ देम। दोनों ही जेल काफ़ी लाइट वेट है, बहुत ही जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और नाइट टाइम में आपको गाइस थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपकी स्किन को इवन करेगा, आपकी स्किन से डलनेस को हटाएगा। तो ये गाइस मैंने आपके साथ शेयर करा है डलनेस, पैची, एजिंग स्किन के लिए स्किन केयर रूटीन। इसके बाद मैं प्राइमर यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ गाइस, और प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है नायका का प्राइमर। फाउंडेशन में गाइस मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी की फाउंडेशन, और इसमें मैं मिक्स करूँगी थोड़ा सा कलर बार का स्पॉटलाइट इल्यूमिनेटिंग लोशन। इस लोशन में गाइस पिंक टिंट है जो मेरे बेस मेकअप को एक ब्यूटीफुल पिंक ग्लो देगा। एज यू कैन सी हेयर, इट हैज़ वेरी ब्यूटीफुल लाइट पिंक शेड। इसको मैं अपनी के ब्यूटी फाउंडेशन में मिक्स करके अप्लाई कर लूँगी। के ब्यूटी की फाउंडेशन जो है गाइस मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज फाउंडेशन है, स्किन लाइक फिनिश देती है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है देन यू शुड डेफिनेटली गो विथ दिस फाउंडेशन बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। ये फाउंडेशन मैंने इसीलिए चूज़ की है गाइस बिकॉज इट हैज़ वेरी ब्यूटीफुल डूई फिनिश विच आई एम लुकिंग फॉर दिस लुक। और कंसीलर में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का एज रिवाइन कंसीलर इन द शेड मीडियम। ये गाइस मेरी स्किन टोन का ना ही मैचिंग शेड है ना ही हाइलाइटिंग शेड है, ये बीच का शेड है जो मेरे डार्क सर्कल्स को भी कवर कर देता है और मुझे हाईलाइट भी कर देता है। इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पैक का मिनी ब्यूटी ब्लेंडर। एंड अगर गाइस आपके डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेड स्किन है, तो आपको कलर करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी विद दिस फाउंडेशन बिकॉज दिस फाउंडेशन गिव्स मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज, इट्स नॉट फुल कवरेज फाउंडेशन। और हाइलाइटिंग में गाइस मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर स्विस ब्यूटी की स्टिक हाइलाइटर जो कि वेरी ब्यूटीफुल लाइट पिंक शेड है विद द गोल्डन टिंट। इसको मैं अपनी चीक बोन्स पर अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी विद द ब्रश। अब मैं अपने फुल फेस को कॉन्ट्यूर कर रही हूँ यहाँ पर विद द नायका कॉन्ट्यूर पैलेट। ब्लश में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का सैटिन फिनिश ब्लश। इसका लिंक भी मैं नीचे मेंशन कर दूँगी गाइस। इट्स नॉट मैट फिनिश, इट्स इन सैटिन फिनिश। अब हाइलाइटिंग में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की हाइलाइटिंग पैलेट। इसमें से मैं ये डार्क पिंक शेड यूज़ करूँगी ब्लश के ऊपर और लाइट पिंक शेड यूज़ करूँगी ऑन माय चीक बोन्स। और इस हाइलाइटर को अपने ब्लश के ऊपर अप्लाई करने के लिए मैं ऐसा बफर ब्रश यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसको यूज़ करने का पर्पस मेरा यही है गाइस मुझे ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है अपने ब्लश को। आई जस्ट वॉन्ट वेरी लाइट शीन ऑन माई ब्लश। अब लाइट पिंक हाईलाइटर को मैं अपने चीक बोन्स पर अप्लाई कर लूँगी, जहाँ मैंने स्टिक हाईलाइटर अप्लाई किया था उसके ऊपर अप्लाई कर लूँगी। ये गाइस पूरे हाईलाइटिंग पार्ट का पर्पस ये है, आई वॉन्ट पिंक ग्लोई बेस। एंड आज के लुक में मैंने अपने चीक बोन्स को हाईलाइट किया है, मैंने थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा लगाया है। इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। मेकअप डज नॉट हैव एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। अब यहाँ पे मैं अपने पूरे आई एरिया, अंडर आई और आईलिड को सेट कर लूँगी विथ फिट मी लूज पाउडर, और अपना पूरा टी जोन भी यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ विद द सेम पाउडर। और इसके बाद मैं अपनी नोज़ को भी कॉन्ट्यूर कर लूँगी। आईब्रोज में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन कॉस्मेटिक्स की आईब्रो पेंसिल। आज के आई लुक में मैं ब्यूटीफुल ब्लू ग्लिटर स्मोकी आईज क्रिएट करूँगी, और इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लोटस का इको स्टे काजल। इसकी हेल्प से जैसे हम लाइनर ड्रॉ करते हैं वैसे मैं लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। और ये लाइनर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट हो, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ अ लाइन। और अब आईशेडोज़ के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन की तामी कार्निवल आईशेडो पैलेट में से डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू शेड। आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक फ्लैट ब्रश से मैं डार्क ब्लू यानी नेवी ब्लू शेड लूँगी और इसको अप्लाई करूँगी काजल के ऊपर। अप्लाई करने के बाद मैं दोनों कलर्स को ब्लेंड कर दूँगी इन स्वाइपिंग मोशन। और अब मैं एक स्मॉल शेडर ब्रश से लाइट ब्लू शेड यहाँ पर ले रही हूँ। ठीक सेम वे में अप्लाई करूँगी नेवी ब्लू शेड के ऊपर और ब्लेंड कर दूँगी विद द डार्क ब्लू शेड। एंड गाइज, इन सभी ब्रशेस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर मेबलिन फिट मी लूज पाउडर से लाइट ब्लू कलर के जो एजेस हैं उनको ब्लेंड कर दूँगी ताकि ये मेरी स्किन में सीमलेसली ब्लेंडेड लगे। इसके बाद ब्लैक काजल के ऊपर मैं ब्लैक आईशैडो अप्लाई कर लूँगी। लोअर लैश लाइन पे मैं सेम काजल अप्लाई कर रही हूँ और आईशेडोज़ को अप्लाई करने के लिए सेम ब्रशेज़ यहाँ पर यूज़ करूँगी। सबसे पहले नेवी ब्लू शेड लूँगी और ब्लैक काजल को ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद लाइट ब्लू शेड लूँगी और नेवी ब्लू शेड। ऐसे ही मैं लाइट ब्लू शेड के एजेस को लोअर लैश लाइन पे भी ब्लेंड कर दूंगी विद द सेम लूज पाउडर। सेम काजल को मैं लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी।